सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। मधुर भाषण के पिछले भाग में हमने शिष्टता के बारे में पढ़ा था और मन वाणी कर्म में कैसे हमको साम्य रखना है ये भी हमने पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था, अगर कोई काम हम करते हैं तो उसको प्रसन्नता से करनी चाहिए, किसी को कोई चीज़ देते हैं तो पूर्ण उदारता और प्रसन्नता के साथ देनी चाहिए, और हमें वचने दरिद्रता कभी न करनी चाहिए। तो इसके संबंधित और जो कार्य हैं हम आगे जानेंगे। आइए आप भी मेरे साथ आगे पढ़ें और इसको अभ्यास करें, अपनी किताब निकाल के मेरे साथ पढ़िए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक इनकार, शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्राय लोग अशिष्टता के साथ अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है, घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। इनकार करने में जो बातें कही जाएं उनमें परायेपन का भाव ना आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है, आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम किसी को कोई काम कराने के लिए कोशिश करते हैं तो हम कृपया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो धन्यवाद कहना जरूरी होता है ताकि दूसरों को हमारी शिष्टता का परिचय मिले, हमारी शिक्षा दीक्षा का परिचय मिले। तो इसी के संबंध में लेखक कहते हैं, अगर कभी कभी हमें कुछ काम करने के लिए या किसी को कोई चीज़ देने के लिए इनकार करना पड़ता है, मना करना पड़ता है, तो जब मना करना पड़ता है इस तरह से हम मना करें जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि बाणभट्ट के दो लड़कियों ने एक ही बात को दो तरीके से वर्णन किया था, दो तरीके से व्यक्त किया था। तो हमेशा हम क्या करते हैं, एक ही बात को, एक ही भावना को अलग अलग तरीके से व्यक्त करते हैं। लेखक के अनुसार हम हमारे भावनाओं को, हमारी वाणी को दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक शिष्टता के साथ, उसका विपरीत हो गया अशिष्टता। आप शिष्टता जानते हैं, शिष्ट, शिष्ट के साथ जब ता प्रत्यय का प्रयोग हो गया, शिष्ट आपने जाना, भद्र, सभ्य, तो उसका विपरीत क्या हो गया, अशिष्टता। तो हम हमारे बातों को या तो शिष्टता के साथ प्रकट करते हैं या अशिष्टता के साथ प्रकट करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हमें कभी कोई चीज़ के लिए मना करना पड़ता है दूसरों को, हमेशा तो हम दूसरों के मदद नहीं कर सकते, हमारी परिस्थिति यह नहीं होती है कि हम दूसरों की मदद कर पाए, तो तभी हमको क्या करना पड़ता है, मना करना पड़ता है। तो लेखक कहते हैं कि इस तरह हम उन्हें मना करें जिसमें अधिकार और अभिमान की गंध ना आनी चाहिए, उनको ना लगे कि हमारे पास ये चीज है जिसको हम अधिकार कहते हैं। अधिकार का अर्थ क्या होता है, मेरे पास, मैं इस चीज की अधिकारी हूँ, सिर्फ मेरे पास ही है, तुम्हें और कहीं से ये ना मिलेगी। और अभिमान, मेरे पास ये चीज है इसीलिए मैं आपको अभिमान दिखाता हूँ, गुण मेरे स्वाभिमान को दिखाते हूँ, गर्व को मैं दिखाता, अभिमान का दूसरा नाम हम गर्व भी कह सकते हैं। तो जब आपके पास कुछ चीज़ें हैं, क्या फिर आप कोई काम करने के लिए सक्षम हैं, तो आपके पास अधिकार और अभिमान ये दोनों रहेंगे, तो हमें हमारी अधिकार और अभिमान के बिना उनको मना करना है कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते, कि आपको दे नहीं सकते। इसीलिए लेखक कहते हैं आप इस तरह से मना करो जिसमें आपका अधिकार और अभिमान की कोई गंध ना आए। यहाँ पर आपका जो गंध हो गया, ये कौन सा लिंग है आप पढ़ के मुझे बता सकते हैं? हाँ, ये गंध हो गया आपका स्त्रीलिंग, क्योंकि आपको देखिए अभिमान की गंध, वो कभी नहीं आप दूसरों को अपना अभिमान, गर्व या फिर आपका अधिकार ये मत दिखाइए।
इनकार कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मजबूरी के कारण इनकार करते हैं। हमारे पास वो चीज़ या तो नहीं होती है, या फिर हमारे ऊपर कोई मजबूरी है, कोई बाध्यता है कि हम उसको वो चीज़ ना दे सकते हैं। इसलिए हम जब मना करते हैं तो मजबूरी के कारण करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, सैद्धांतिक मजबूरी होती है, हमारी मजबूरी सैद्धांतिक होती है। आप जैसे जानते हैं सिद्धांत के साथ जब इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सैद्धांतिक। सिद्धांत का क्या होता है, सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, पक्की राय, निश्चिंत, मतलब मैं निश्चिंत हूँ, मेरा कोई अपना कुछ निश्चिंतता है, को अपना कोई राय है कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए। तो जो ऐसा आपका सिद्धांत को जो जो गुण सिद्धांत को पहचानता है, पहचान करवाता है, उसको हम सैद्धांतिक कहते हैं। तो कभी हम अपने मजबूरी के कारण मना करते हैं, कभी अपने सिद्धांत के कारण मना करते हैं, और कभी कभी हम आर्थिक रूप से, आर्थिक भी आपका हो गया अर्थ के साथ, इक्क प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। देखिए अर्थ के साथ आपका इक्क प्रत्यय का प्रयोग हुआ, अर्थ का अर्थ मूल्य, मोल। तो कभी कभी हमारे पास अर्थ के अभाव से भी हम दूसरों को, आपसे हमेशा दूसरे क्या करते हैं, या तो आर्थिक सहायता मांगते हैं, या तो फिर कोई चीज मांगते हैं। तो हम उनको मना करने के लिए लेखक ने यहाँ पर तीन कारण बताए हैं, एक तो आपके मजबूरी है कोई, या फिर आपके सैद्धांतिक मजबूरी है, या फिर हम आर्थिक मजबूरी के कारण, आपके आर्थिक कमी के कारण हम उस चीज को मना करते हैं। तो मना हम जो भी कारण से करते हो, या फिर अगर हमको इनकार करना पड़ रहा है, वो कारण जो भी है, लेकिन हमको कैसी करनी चाहिए, या तो हम शिष्टता के कारण, शिष्टता के हिसाब से कर सकते हैं, या तो अशिष्टता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जो सज्जन है वो कैसे करते हैं, वो शिष्टता के साथ करते हैं। जैसे कि बाणभट्ट के दो लड़कों ने दो अलग अलग तरीकों से अपने भावनाओं को प्रकट किया, वैसे ही आप चाहे तो शिष्टता के साथ कर सकते हैं, आप चाहे तो असभ्य व्यवहार करके भी कर सकते हैं। तो लेखक कहते हैं प्राय लोग अशिष्टता से करते हैं। कैसे करते हैं, आपने कभी अपने पड़ोस में हो, अपने दोस्तों को कुछ चीज़ें मांगे होंगे, उसने आपके साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, कोई कोई कहता है ये चीज़ क्या कहाँ से आई, हमारे पास कहाँ से आई, हमारे पास तो नहीं है, तुम्हारा कोई देना आता है, अर्थात तुम कभी आके हमको देके गए थे जो मांगने चले आए, ऐसे बात आपको, आपने सुनी होंगी, आपके साथ ऐसा व्यवहार हुआ होगा। और क्या होता है, हम लोग तो घर वालों के लिए जुड़ता नहीं, मतलब हम अपने लिए जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे लिए कहां से लाए, ऐसी ऊंची आवाज में आपको जो कहते हैं अभिमान के साथ आपको वो उत्तर देते हैं कि हमारे पास नहीं है, आप कभी आके हमें देके गए हैं, तो हम आपको कैसे दे। जब हम इनकार करते हैं, जो बातें कही जाती है इनकार करते समय, उनमें परायापन का भावना आना देना चाहिए। जब हम ऐसी बात करते हैं, आप क्यों मांगने चले आए, आप हमसे क्यों लेंगे, हम आपको क्यों दें, तो इस तरह की जब हम बात करते हैं, इसमें अपनापन दिखाई देता है, नहीं बच्चों, परायापन दिखाई देता है। तो आप जब इनकार कर रहे हो, ऐसी बातें करें कि उसमें परायापन ना दिखे। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। हमने शिष्टाचार पढ़ा, शिष्टाचार अर्थात सज्जनोचित व्यवहार, लोगों के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम इनकार कर रहे हैं, हम मजबूरी के कारण कर रहे हैं, तो हमें खेद प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकाश करना, खेद प्रकट करना चाहिए, मतलब दुख प्रकाश करना चाहिए। ये शिष्टाचार की मांग है, मतलब शिष्टाचार का पहला गुण है कि अगर आप किसी को मना कर रहे हैं तो खेद प्रकट के मना कर सकते। आपको याद होगा हमने शिष्टाचार का और एक गुण पढ़ा था कि कैसे हम किसी को कुछ कराने के लिए कृपया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, उसके पश्चात धन्यवाद कहेंगे, वैसे ही और एक शिष्टाचार की मांग है, जब आप मना कर रहे हो तो खेद प्रकट करें कि मैं दुखित हूँ, मैं आप अंग्रेजी में कह दे तो सॉरी, मैं ये चीज नहीं कर सकता, वैसे ही आपको दुख प्रकाश करना चाहिए। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है,
आपने यहाँ आने का या मांगने का जो कष्ट किया और मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। देखिए बात एक ही है, अब मना कर रहे हो लेकिन दो तरीके से, आप यहाँ क्यों मांगने आए, हम आपको दे ही दे सकते। आप ऐसे बोल रहे, देखिए मुझे बड़ा खेद है आप मांगने आए लेकिन मैं आपको नहीं दे पाया। तो ये दोनों तरीके बात से कौन शिष्ट है कौन अशिष्ट है, किसके पास शिष्टता है किसके पास अशिष्टता है, ये आसानी से पता लग जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर कर रहा है आप इससे क्या सीख रहे हो। आप ये सीखोगे कि मुझे शिष्टता के साथ दूसरों के साथ व्यवहार करनी है। वार्तालाप में हमको व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए किंतु वह नपी तुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव ना रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध का सा ही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है किंतु बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। वार्तालाप अर्थात बातचीत, जब हम दूसरों के साथ बातचीत करते हैं वो दो तरह के हैं। लेखक के अनुसार एक है व्यापारिक, दूसरी है निजी बातचीत। जब हम बातचीत करते हैं व्यापारिक, व्यापार अर्थात व्यापार संबंधी, यहाँ पर भी आपका इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, व्यापार इक, तो हो गया आपका व्यापारिक। व्यापारिक का अर्थ क्या हो गया, व्यापार संबंधी, मतलब कुछ काम की तलाश या फिर काम की चीजों के बारे में जब आप बातें करते हो तो उसको हम कहते हैं व्यापारिक बातचीत। और निजी बातचीत क्या होती है, निजी बातचीत में हम क्या आपस में हमेशा हम जब हम हमारे भावों का आदान प्रदान करते हैं, हमारे आस पड़ोस दोस्तों के साथ घर वालों के साथ जो बातचीत करते हैं तो उसको हम निजी बातचीत कहते हैं। उसमें अंतर करना पड़ता है, व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा फर्क होता है। हम जब व्यापारिक बातचीत करते हैं तो हम दूसरों के साथ वहां पर हमारी बातचीत सभ्य होनी चाहिए, भद्र होनी चाहिए, शिष्टता के साथ होनी चाहिए। इसलिए लेखक कहते हैं व्यापारिक बातचीत अशिष्ट न होनी चाहिए किंतु वह नपीतुली हो सकती है। नपीतुली मतलब नाप तोल के मतलब जितनी जरूरत है जितनी की आवश्यकता है उतनी ही करनी चाहिए। इसलिए वो कहते हैं या तो ये व्यापारिक बातचीत अशिष्टता ना हो और वहाँ पर जितनी जरूरत है उतनी ही करनी है, जिसको हम नपीतुली कहते हैं। और निजी संबंध की बातचीत में क्या होना चाहिए, आत्मीयता। आत्मीय के साथ जब ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, आत्मीयता। आत्मीय आप लोग जानते हैं, अपने लोगों को हम आत्मीय कहते हैं। तो आत्मीयता के साथ मतलब उसमें आपका अपनापन दिखाई देना चाहिए। जब आप निजी बातचीत कर रहे हैं तो आपको मतलब अपनापन रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बातों को पूरी तौर से समझा देना चाहिए। अगर आपको कुछ कहना है, दूसरों को समझाना है तो आधा अधूरी मत कीजिए, अपने भावनाओं को अपने ख्यालों को उसको पूरी तरह से उसको समझाना ही क्या होता है, जो सज्जन होते हैं जो अच्छे लोग हैं उनका काम होता है। तो आप जब किसी को कुछ कहते हैं अपने भावनाओं को प्रकाश करते हैं तो उसको पूरी तरह से समझाना। कुछ लोग सबके साथ निजी संबंध सा ही वार्तालाप करते, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत एक जैसे होती है, लेकिन उसमें कोई गलत नहीं है कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप हमेशा क्या करना चाहिए, बात उतनी ही कही जाए, आप हमेशा उतनी ही बात कीजिए जितनी आप निभा पाओ, मतलब निभाई जा सके, जितना हम निर्वाह कर सकते हैं उसको पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ा मन वाणी और कर्म, करनी और कथनी, आपके हमेशा आपकी करनी और कथनी में साम्य रहनी चाहिए। आप जितना कर सकोगे उतनी ही कहो ताकि मैं इतना करनी और कथनी में आप साम्य रख सको। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।